बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ोफ़िया व्लॉग्स। आज की अपनी इस प्यारी सी वीडियो का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, अल्लाह ताला आप सबके खानों में बरकत दें, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला नसीब करें, आमीन। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हम अपने किचन में क्या स्पेशल बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर किया करें। जी तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के खस्ता डिलीशियस क्रिस्पी शामी कबाब। और ये शामी कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, चलिए चल के देखते हैं। जी तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है बोनलेस चिकन, चिकन कीमा है, और ये हमारे पास है चने की दाल, चिली फ्लेक्स, गार्लिक है, ऑनियन है चॉप किया हुआ। इसके बाद हमारे पास है काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, करी पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी। तो जी सबसे पहले हमने दाल डाल लेनी है एक पैन में, और इस दाल में जो पानी जिस पानी में हमने ये दाल भिगोई हुई थी वही पानी हमने इसमें ऐड करना है। और यहाँ पर हमारे पास है ये कीमा, इसको हमने फ्रीज़ कर लिया हुआ था, और इसके बाद हमारे पास हम सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे। और सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसको रख देते हैं चूल्हे पर पकने के लिए। तो जी यहाँ पर हमारा जो मटेरियल है वो हो चुका है रेडी, दाल भी बॉईल हो चुकी है और जो कीमा है वो भी बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसको पीस लेंगे, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं या फिर सिलबट्टे पर पीस सकते हैं। जी पीसने के बाद अब हम इसके बना लेंगे शामी। तो कुछ इस तरह से जब तक हमारे शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो रहे हैं तब तक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है और हमारी वीडियो को रोज़ देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो हमारे जो शामी कबाब हैं वो हो चुके हैं रेडी, अब हम इनको कर लेंगे फ्राई। तो चूल्हा हो चुका है ऑन और पैन में हमने ऑयल भी डाल लिया हुआ है। और जिस तरह का आजकल मौसम है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी और कभी तेज़ हो जाती है बारिश, तो उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत ही लाजवाब किस्म की लगती हैं। तो प्लीज़ इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगेगी। इसी तरह हम सारे शामी कबाब को कर लेंगे फ्राई। तो जैसे ही हमारे शामी कबाब फ्राई हो जाते हैं तो फिर मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो यहाँ पर हमारे जो शामी कबाब हैं उनको हमने कर लिया हुआ है फ्राई, और माशाल्लाह से इनका कलर और इनकी खुशबू बहुत 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 कमाल की है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की, कैसी बनी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।